साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। गुरु नानक जयंती पर पगड़ी पहन गुरुद्वारा पहुंचे राहुल, बोले यात्रा नहीं रोक सकती कोई ताकत। मुश्किल में पड़े उद्धव गुट के पूर्व मंत्री अनिल परब, अब धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जांच जारी। भाजपा नेता लोकनाथ चटर्जी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, पार्टी के काम के बहाने कार्यकर्ता के साथ की घिनौनी करतूत। केरल हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा सीबीआई आरटीआई कानून के तहत सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक बोले, पीएम मोदी से मित्रवत संबंध पर भाजपा हमारी प्रतिद्वंदी। पटना में इंडियन ऑयल डिपो के आसपास के परिसर में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने पाया काबू। गुजरात चुनाव 2022 में नीतीश कुमार की हुई एंट्री, बीटीपी का जदयू के साथ हुआ गठबंधन। खड़गे का मोदी पर निशाना, कहा पीएम ने अभी तक नोटबंदी की महाविफलता को स्वीकार नहीं किया। मनीष सिसोदिया को लगा डबल झटका, हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया मानहानि का केस, गुवाहाटी एचसीन में याचिका खारिज। बाबा रामदेव बोले, अब गजबा ए हिंद नहीं चलेगा। सासाराम में कहा, सर तन से जुदा करने वालों के लिए मोदी शाह की घी काफी। महाराष्ट्र पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, प्रदेश में 15 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को कवर करेगी, 2 रैलियां भी होंगी। कांग्रेस ने KGF 2 का गाना इस्तेमाल किया, एक्शन कोर्ट का आदेश, भारत जोड़ो और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल फौरन ब्लॉक करें। कर्नाटक कांग्रेस के नेता की टिप्पणी पर छिड़ा विवाद, बोले हिंदू शब्द का अर्थ जानकर शर्मिंदा हो जाएंगे आप। हिमाचल चुनाव से 4 दिन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के 26 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, सीएम जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। दाऊद ने आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए भेजे 25 लाख, टारगेट पर थे कई नेता, एनआईए की चार्जशीट में दाग, खुलासा। मेरठ गंगा मेले में हिस्ट्री शीटर की हत्या, शराब पार्टी के बाद ताबड़तोड़ चली गोलियां, मृतक पर 16 से ज्यादा आपराधिक केस। लाइन मर्डर केस बन गया रोनिल हत्याकांड, पुलिस को लव ट्रायंगल, दोस्त और स्कूल टीचर वाले एंगल में कुछ नहीं मिला। हमीरपुर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ी, अब तक 97 मरीज मिले, संयुक्त निदेशक ने जिला अस्पताल में देखी स्वास्थ्य व्यवस्था।
नानक देव का प्रकाश उत्सव आज, योगी बोले जब विदेशियों के आतंक से देश और धर्म संकट में था तब प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। लखीमपुर खीरी में विंध्याचली पोर्टल में क्रियान्वयन पर मंथन, डीएम बोले पोर्टल के माध्यम से परिषदी विद्यालयों को ले सकते हैं गोद। मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर रिश्वत, उन्नाव सीएमओ कार्यालय के कर्मचारी कर रहे छात्र छात्राओं से उगाही, सीएमओ बोले जांच करेंगे। अमरोहा में जिसका मुंडन संस्कार उसी की हो गई मौत, दावत के लिए बनी सब्जी के भगोने में गिरा मासूम। जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे पर गोल चक्कर से टकराई कार, सर्विस रोड पर सड़क हादसे में मेरठ निवासी युवक की मौत। हाथरस में पालिका परिसर के कबाड़ में लगी आग, सुरक्षा कर्मियों में मची भगदड़, दमकल की कड़ी मशक्कत पर पाया गया काबू। अयोध्या में दूसरे दिन पूर्णिमा स्नान को उमड़े लाखों श्रद्धालु, रात 2 बजे से सरयू स्नान कर नागेश्वर नाथ अभिषेक की भीड़ रही। शामली में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर, हादसे में 1 बाइक सवार पति की मौत, पत्नी बच्चा घायल, दूसरी बाइक सवार युवक ने तोड़ा दम। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों ने लगाई गंगा में डुबकी, बलिया में मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया गंगा स्नान, पूजा करके सुख समृद्धि की कामना। सकरन थाना अध्यक्ष की मौत पर पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा, झांसी जाते समय ट्रेलर ने मारी थी टक्कर, चालक की गिरफ्तारी को लगी टेप। मैनपुरी में उपचुनाव के लिए 900 वाहनों का होगा अधिग्रहण, वाहन स्वामियों को जारी होगा नोटिस, 5 दिसंबर को होनी है वोटिंग। अंबेडकर नगर का जिला अस्पताल बना रेफरल सेंटर, डेंगू के मरीजों को रेफर कर रहे डॉक्टर। चुनाव से खरीदकर पंजाब में करते थे स्मैक की तस्करी, शाहजहांपुर में 12 करोड़ की स्मैक के साथ बरेली के 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। कानपुर में पूर्व आयकर अधिकारी के घर में लाखों की चोरी, कल्याणपुर में हुई वारदात, बाहर से कुंडी बनकर नकदी जेवरात लेकर भाग निकले चोर। मथुरा में बुजुर्ग महिला की चेन लूट, वीडियो आया सामने, बाइक से बदमाश आए, महिला को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, फिर चेन लूट ली। झांसी में मालगाड़ी पटरी से उतरी, झांसी आगरा पैसेंजर निर्मत, 6 ट्रेनों की रूट बदले गए, 4 ट्रेनें नहीं आएंगी राजा मंडी और कैंट स्टेशन। ललितपुर में मारपीट कर 2 युवकों से लूटपाट, नकदी और मोबाइल ले गए बदमाश, बचाने पहुंचे युवक को भी पीटा। बिजनौर में बोलेरो वैन की टक्कर, 1 युवक की मौत, 5 घायल, 3 की हालत गंभीर, मुंडन कराने हरिद्वार जा रहा था परिवार। मेरठ में फटी गैस पाइपलाइन, लगी भीषण आग, 2 झुलसे देर रात, आर नगर इलाके में हादसा, 4 फायर ब्रिगेड और जेसीबी से 1 घंटे में बुझी आग। फतेहपुर में देवर ने भाभी से किया दुष्कर्म का प्रयास, विरोध किया तो लाठी डंडों से पीटा, ग्रामीणों ने रोका तो धमकी देकर हुआ फरार।
फरुखाबाद में बंद घर से लाखों का सामान चोरी, 25,000 कैश और सोने चांदी के जेवर ले गए चोर, शादी में गया था परिवार। बिजनौर में अनियंत्रित कार घर में जा घुसी, हादसे में बच्चा घायल, हालत गंभीर, ग्रामीणों ने की सड़क जाम, ड्राइवर की हुई पिटाई। अयोध्या चीनी मिल में पैनल टेस्टिंग के दौरान हुआ बड़ा हादसा, हादसे में दो मजदूर बुरी तरह झुलसे। बुलंदशहर में कार्तिक गंगा स्नान मेले में नहीं रुकी शराब, मेले में श्रद्धालुओं ने शराबियों ने शराब पीकर मचाया आतंक। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, सपा विधायक के भाई पर महिला ने घर फूंकने का लगाया आरोप। स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा ने मिडलैंड अस्पताल से चौराहा तक किया निरीक्षण, स्थानीय नागरिकों सोर्स सेग्रीगेशन को लेकर किया जागरूक। बुलंदशहर में कार्तिक गंगा स्नान मेले का उद्घाटन के साथ हुआ आगाज, बच्चों का हुआ मुंडन, एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। उत्तराखंड में सामने आया ओजोन परत के लिए नया खतरा, वैज्ञानिकों ने अध्ययन में निकाला निष्कर्ष। केदारनाथ हाईवे पर बन रही 900 मीटर सुरंग, चारधाम यात्रियों को जाम से मिलेगा छुटकारा, फर्राटा भरेंगे वाहन। उत्तराखंड में मंत्रियों को महंगे वाहनों की दरकार, वित्त विभाग ने की कीमत बढ़ाने की पैरवी। भारत के प्रथम गांव माड़ा से उत्तराखंड में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, नहीं दिखे हरीश रावत समेत कई बड़े नेता। उत्तराखंड में चारापत्ती के लिए जंगल गई थी 67 वर्षीय महिला, भालू के हमले से हुई घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज ऐसा कोई खेल का मैदान नहीं जहां भारत का तिरंगा न लहराता हो। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण में 3 और आरोपियों को जमानत, अब तक कुल 24 आरोपी आए जेल से बाहर। उत्तराखंड के हरिद्वार में युवक की हत्या के मामले में रिश्ते के मामा भांजे गिरफ्तार, अवैध संबंधों की बात आ रही सामने। उत्तराखंड के हरिद्वार में सहारनपुर एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर, 6 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का मुकदमा। उत्तराखंड के देहरादून में बैंक से पीछा करते हुए घर में घुसे बदमाश, वृद्धा को बंधक बनाकर लूटा। उत्तराखंड के हरिद्वार में पड़ोसियों को फंसाने के लिए रचा लूट का ड्रामा, लगा 5,000 का जुर्माना। उत्तराखंड में सवारी बन सिटी बस में बैठे आरटीओ, सामने आया सफर का सच, चालक व परिचालक सकते में। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के 36 आरक्षण के लिए विधानसभा में आएगा विधेयक, तैयारी में जुटी सरकार।
उत्तराखंड में महंगाई भत्ते की फाइल पर सीएम धामी की मुहर, 3 लाख कर्मचारी व पेंशनरों की बंधी उम्मीद। उत्तराखंड के कुमाऊं की 2 नर्सों को मिला फ्लोरेंस नाइटेंगल अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। दुबई में 35 मंजिला इमारत में आग, देखते देखते धू धू कर जली पूरी बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा के पास है यह इमारत। इमरान पर हमले के बाद अब तक नहीं दर्ज हुई FIR, बिलावल भुट्टो ने की निष्पक्ष जांच की मांग। जलवायु परिवर्तन पर UN प्रमुख ने चेताया, बोले नरक के हाईवे पर बढ़ रही दुनिया, सहयोग करें या मरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की चेतावनी, घर छोड़कर जाने की योजना बना ले राजधानी कीव के निवासी। कनाडा के चुनावों को प्रभावित करने में लगा चीन, कई सांसदों को ड्रैगन ने किया फंड ट्रांसफर। विदेश मंत्री जयशंकर 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे, रूस विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे, यूक्रेन जंग पर हो सकती है चर्चा। अमेरिका में आज मिड टर्म इलेक्शन, बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप की रिपब्लिक में पीछे। PTI का लॉन्च मार्च 9 नवंबर से शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा इमरान पर हमले का केस 24 घंटे में दर्ज हो। इसरो जापान का संयुक्त मिशन, चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से में रोवर भेजेंगे, यहां अंतरिक्ष के कई राज खुलने की आशंका। नवंबर को बड़ी घोषणा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर अटकलें तेज। महंगा हो सकता है सोना, करेंसी सपोर्ट के लिए केंद्रीय बैंकों ने खरीदा 4 गुना गोल्ड, सोना खरीदने में RBI टॉप पर। अमेजन प्राइम वीडियो का मोबाइल एडिशन लॉन्च, ₹599 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन। सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च, ₹9,999 में मिलेगा लावा का ब्लेज 5G फोन, इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियल कैमरा। TVS मोटर्स दूसरी तिमाही रिजल्ट आया सामने, दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 47% बढ़कर ₹407 करोड़ रहा। महंगी हुई टाटा की गाड़ियां, कंपनी ने कीमतों में 0.90% की बढ़ोतरी की, इस साल चौथी बार बढ़ाए दाम। विवेक देवरॉय का बयान, बोले GST में सिर्फ 1 दर में मुकदमेबाजी और प्रशासनिक अनुपालन का बोझ घटेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, NPA घटाने की कोशिशों से सरकारी बैंकों का लाभ। CEO अनंत नागेश्वर बोले, रुपए को धीरे धीरे कमजोर होने दें, RBI विदेशी मुद्रा भंडार का हो उचित उपयोग।
स्मार्ट टीवी को लेकर गूगल पर जुर्माना संभव। इस साल दो बार प्रतिस्पर्धा आयोग लगा चुका है आर्थिक दंड। त्योहारी मांग से वाहनों की खुदरा बिक्री 48% बढ़ी। सभी वाहनों की बिक्री कोरोना पूर्व से 6% ज्यादा। सानिया मिर्जा और शुएब मलिक के रिश्ते में दरार। पाकिस्तानी मीडिया में अलग होने की अफवाह। मलिक किसी और लड़की को डेट कर रहे। सेमीफाइनल की जंग के पहले वैन स्टोक्स ने की सूर्य कुमार यादव की तारीफ। बोले, उनके पीछे शॉट्स पर अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं। यूएफा चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 में रियल मैड्रिड में होगी लिवरपूल की भिड़ंत। पीएसजी के सामने बायर्न्स की चुनौती। टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद माइकल क्लार्क ने की ऑस्ट्रेलिया टीम की आलोचना। बोले, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट नहीं है। फीफा वर्ल्ड कप से पहले अर्जेंटीना की बढ़ी टेंशन। डी मारिया और डिवेला के बाद मेसी भी हुए चोटिल। चोट के बाद प्रैक्टिस पर लौटे रोहित। 150 से ज्यादा की रफ्तार से गेंद कलाई पर लगी। दर्द के चलते 40 मिनट बाहर बैठे रहे। फीफा वर्ल्ड के लिए ब्राजील ने स्क्वाड का किया ऐलान। डेनियल लॉब्स को मिली एंट्री। टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे कम गेंदों पर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने मैक्सवेल। सूर्य कुमार यादव टॉप पर। रमीज राजा पर बरसे मोहम्मद आमिर। कहा, जीतने के बाद भी ये मत कहना कि टीम मैंने सिलेक्ट की थी। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में ऋषभ पंत को मिल सकता है मौका। कोच राहुल द्रविड़ ने दिए संकेत। विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अनुराग कश्यप। 20 नवंबर से मुंबई में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। साथ निभाना साथिया की राशि बहु दूसरी बार बनी मां। 34 साल की उम्र में रुचा हसबनीस ने दिया बेटे को जन्म। कार्तिक आर्यन का लेटेस्ट वीडियो हुआ वायरल। अहमदाबाद की सड़कों पर ड्राइविंग के मजे लेते दिखे एक्टर। कहा, अहमदाबाद एक वाइब है। यश ने नॉर्थ की फिल्में रिजेक्ट करने पर तोड़ी चुप्पी। बोले, पहले लोग साउथ की फिल्मों का मजाक उड़ाते थे। ब्रेकअप के बाद डेट पर निकली दिशा पाटनी। वीडियो देख यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट। लिखा, दिशा टाइगर अभी जिंदा है। साथ नजर आए वरुण धवन, कृति सेनन। भेड़िया के प्रमोशन के दौरान ट्रेडिशनल लुक में दिखी परम सुंदरी। फ्रेडी का टीजर रिलीज हुआ। रात में किलर बने कार्तिक आर्यन, अलग अंदाज में आए नजर। अल्लू अर्जुन ने शेयर किया पुष्पा 2 से जुड़ा अपडेट। रिवील किया फिल्म का नया तकिया कलाम। कहा, बिल्कुल नहीं झुकेगा।
बीमारी के बावजूद सान माथा ने शुरू किया यशोदा का प्रमोशन। बोली, कितनी भी बुरी चीजें हो रही हो, आप शॉवर लो और तैयार हो जाओ। कानूनी पचड़े में तब्दील हुई शर्लिन राखी की बहस, एक दूसरे के खिलाफ की पुलिस में शिकायत, अब कोर्ट पहुंचेगा मामला। प्राइम शतक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।